चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। स्टीवन हॉकिंग। पुलिस फोर्स से लेकर सेना तक ने अपनी कठिन जीवन शैली में बाइक को शामिल कर लिया है। दो पहिए की बाइक फिल्मी रोमांस का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या बाइक किसानों का जीवन बदल सकती है? क्या एक आम बाइक में कुछ बदलाव करके किसानों का जीवन खास बनाया जा सकता है? जी हाँ, और इस बात को एक किसान ने मुमकिन भी कर दिखाया। आप जो देख रहे हैं ये कोई आम बाइक नहीं है, दरअसल एक मल्टीपर्पस खेती करने की मशीन है। इस आधुनिक हल का नाम है बुलेट शांति। गरीब किसानों के लिए तो ये बुलेट ट्रैक्टर एक वरदान बन गया है। इसका आविष्कार किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर ने नहीं किया, बल्कि सिर्फ प्राथमिक शिक्षा लिए हुए एक किसान ने किया है। इस अनूठे आविष्कार करने वाले किसान का नाम है मनसुख भाई जगानी। गुजरात के अमरेली जिले के मोटा देवलिया गांव में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे मनसुख भाई ने सिर्फ अपनी सूझबूझ से ये अनोखा आविष्कार कर दिखाया है। इतना ही नहीं, इस तृणमूल आविष्कार के लिए भारत और अमेरिका में उनके नाम पर पेटेंट भी रजिस्टर्ड है। इसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया यानी राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत ने मनसुख भाई जगानी का मार्गदर्शन भी किया और आर्थिक सहयोग भी दिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने साल 2001 में इनके आविष्कार के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इन्हें कृषि में आविष्कार करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी पुरस्कृत किया। इसके बाद वर्ष 2005 में इन्हें एक बार फिर साइकिल स्प्रेयर के लिए भी सम्मानित किया गया। एनआईएफ का जो विजन है वो यही है कि जो इनोवेटिव सोसाइटी है हमारी, उसके जो इनोवेशंस हैं उसका उनको लाभ मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इनोवेशंस को यूज़ कर पाएँ, इनोवेशन के सहारे हम तरक्की करें, यही एक हमारा विजन है। और उसको वाइड स्प्रेड और साथ साथ हम अपनी सोसाइटी में भी एक इनोवेशन का फीलिंग लाना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी इनोवेटिव सोसाइटी बने। मनसुख भाई का जीवन समस्याओं से घिरा रहा है। परिवार के लोग खेती से जुड़े थे, इसलिए मनसुख भाई भी खेती बाड़ी में लगे रहते। पारिवारिक कारणों से इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने परिजनों के साथ खेती में हाथ बटाने लगे। खेत में बीज बो रहे ये नन्हे हाथ मानो एक बड़े आविष्कार के बीज बो रहे थे। मैं वो विचार तो कि नवीन नवीन कायपण औजार बनावे नवा संशोधन तो ये माटे खेती औजार में खेडूत ने फायदो थाय, ये विचार तो नवा नवा संशोधन बनावे ने खेडूत ने फायदा थाय, मजूरी ओसी जोई ये माटे काम कर संशोधन करू छे ने करतो रहू छे। इन्होंने कुछ समय तक दूसरों के खेतों में मजदूरी की। मनसुख भाई जब भी खाली रहते बस यही सोचते कि ऐसा कौन सा काम करें जो किसानों के लिए उपयोगी हो, किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिले और नव प्रयोग करने के लिए पूरा देश उनकी तरफ देखे। मनसुख भाई के परिवार के कुछ सदस्य जीविका चलाने के लिए हीरा घिसाई का काम करते थे। इन्होंने हीरा उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने की सोची।
मनसुख भाई ने सूरत में एक हीरा फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन ये काम उन्हें रास नहीं आया। मैं एक विचार करता था कि खेती करो के पछी वर्कशॉप बे किदो थाय ले वर्कशॉप की खेती थाय ने वर्कशॉप ही थाय ले विचार के वर्कशॉप चालू थी ने खेती भी थाय એટલે सूरत थी रिटर्न पण आवतो रही। गांव में ही मनसुख भाई ने वर्कशॉप में वेल्डिंग का काम सीखा। मनसुख भाई ने मन लगाकर काम किया। वर्कशॉप में देखा कि किसानों के लिए बनने वाले उपकरणों को कैसे बनाया जाता है। इन्होंने हलों को जोड़ने, विभिन्न तरह के हल बनाने और कल्टीवेटर को दुरुस्त करने का काम भी किया। कड़ी मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और खुद की वर्कशॉप खोली। मैं एक कारीगर हूँ। मैं नाना एवं काम चालू करूँ तो वेल्डिंग ने एवं त्या जे थोड़ी थोड़ी आव आवा मिली एने हिसाबे नवा नवा संशोधन करवाना ने आग निकलता ते वर्कशॉप में आपने आवक सारी से ने त्यार पछी मैं भण्यो नथी पण छोकराओने भणावा माटे कीधु आपणे आगळ निकळी तो हारू एम अभ्यास करे छोकरा एम। मशीनों और उपकरणों के बारे में जुनूनी मनसुख भाई ने किसानों के लिए कम लागत के उपकरणों को लेकर अपने विचार को अमली जामा पहनाने का निश्चय किया, जिससे उन किसानों की मदद की जा सके जो कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए बेहतर और सरल उपकरण चाहते थे। मनसुख भाई के गांव में किसान कठिन संकट से गुजर रहे थे। गांव अकाल का सामना कर रहा था। पानी के संकट और बैलों की मौत से किसान खेती छोड़ने को मजबूर थे। संकट की इस घड़ी में बैलों की जगह ट्रैक्टर खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। लोग काम धंधे की तलाश में शहर की ओर पलायन करने लगे। किसानों ने बैल बेच दिए और दूसरे काम धंधे की तलाश करने लगे। इस दौरान इनकी वर्कशॉप का काम भी काफी मंदा पड़ गया। चारों तरफ निराशा का दौर था। सबसे ज्यादा परेशान किसान थे। मैं कारखाना पर तो मैं बाजू ना काम कर लिया थी मुंबई मैंने इधर तो आज संशोधन नवा नवा थी तो अपने पास ज्यादा नहीं खेती दे रही थी એટલે પછી મેં કીધું જો આપણી પાસે બુલેટ તમારી પાસે છે તો બુલેટમાં ટ્રાય કરકે તમને કમ્પ્લીટ છકડો રિક્ષા જે લોડિંગ રિક્ષા ખેંચે છે એ બુલેટ પાછળ જે છે એ ખેતીમાં કામ આપે આગે આપણે એની માથે ટ્રાય કરી અને કમ્પ્લીટ કરેલું। इन्हीं परिस्थितियों में मनसुख भाई ने इलाके में तमाम किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ऐसा बनाने की ठानी जो तमाम किसानों का सहारा बन सके। वो रात दिन ये सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्या बनाऊं जो सभी के काम आए। एक दिन मनसुख भाई पैदल ही घर से निकले। रास्ते में टेम्पो में बैठ गए। ये टेम्पो तीन पहिए वाला था। टेम्पो में बैठने के बाद ही मन में विचार आया कि क्यों ना टेम्पो जैसी कोई चीज बनाई जाए। मनसुख भाई दुकान पर आए और बगल में मोटरसाइकिल बनाने वाले परिचित से पुरानी बुलेट दिलाने को कहा। कुछ समय बाद ही उन्हें बुलेट मिल गई। तकरीबन चार सालों के परीक्षण के बाद साल 1994 में मनसुख भाई ने मोटरसाइकिल में लगने वाला खेती के लिए एक बहुउपयोगी उपकरण यानी बुलेट शांति तैयार किया। फिर तो गुजरात में करीब 40 से अधिक बुलेट शांति की बिक्री हुई। इसके अलावा इसे दूसरे प्रदेशों के किसान भी खरीद कर ले गए।
इसकी लागत तब करीब 14,000 से 18,000 रुपए थी। ऐसे में किसानों को इसे खरीदने में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। 325 सीसी हॉर्स पावर वाली किसी भी मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में इन उपकरणों को लगाया जा सकता है। एक अपने साथी आकता हुई ये बलद थे आकता हुई बलद ने बदली में बुलेट नो उपयोग करी ने बुलेट ने जॉइंट करो बुलेट ने साथी में उपयोग करो बुलेट साथी नाम इतने रखे हैं કે પાછળ આપણે લેવલિંગ કરવું હોય ખેડવું હોય ખેતી ઓજાર બધા લાગી શકે અને સાથે બુલેટ સાથે નામ રાખેલું છે। ઇસ મશીન સે ખેતી સે જુડી વિભિન્ન ગતિવિધિઓ મસલન બુવાઈ ઓર અંતર સંવર્ધન કે લિયે ઇસ્તેમાલ કિયા જાતા હૈ। ઇસકા ઇસ્તેમાલ કીટનાશકો યા કિસી અન્ય ચીઝ કે છિડકાવ કે લિયે ભી કિયા જા સકતા હૈ। બુલેટ સાથેથી ખેડૂતને બહુ ફાયદા છે, ઝડપી ખેતી થઈ શકે છે ને સારું કામ આપે છે। ત્યાંથી હાલતા જે બળદથી બળદ કરતા ખર્ચામાં ઓછું છે ને ઝડપી ખેતી થઈ શકે છે। કમ લાગતવાળી શાંતિ કૃષિ કાર્ય કે લિયે બેહદ ઉપયોગી ઉપકરણ હૈ। એક એકડ ખેત કી જુતાઈ 2 લિટર ડીઝલ કે ઇસ્તેમાલ સે ઇસ ઉપકરણ કે જરિયે મહેસ આધે ઘંટે મે હો જાતી હૈ। ઇસકે જરિયે 1 એકર ખેત સે ખરપતવાર હટાને મે માત્ર 8 રૂપિયે કા ખર્ચ આતા હૈ। એસે કિસાન જો કૃષિ કાર્યો કે લિયે ટ્રેક્ટર નહીં ખરીદ સકતે ઉનકે લિયે ઇસકી કમ લાગત કો દેખતે હુએ યે બહોત હી ઉપયોગી ઉપકરણ હૈ। इस उपकरण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार इसका कृषि उपयोग समाप्त हो जाने के बाद इसको सामान्य मोटरसाइकिल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किराए की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ मनसुख भाई का यह सफर आज एक बड़ी वर्कशॉप में तब्दील हो चुका है। इसी दौरान मनसुख भाई का संपर्क नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से भी हुआ। फाउंडेशन की मदद से मनसुख भाई ने इस मशीन का पेटेंट भी हासिल किया। गुजरात में अमरेली के रहने वाले श्री मनसुख भाई जगानी ने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही एक प्लॉइंग टूल के साथ में जोड़ दिया और वो टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्ट किसानों के लिए छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो गया। उन्होंने उसके बाद में बाकी छोटे छोटे टूल बनाए फॉर वीडिंग पर्पस, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, फॉर अदर एप्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर और उससे किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ। हमने इसका पेटेंट करवाया और पेटेंट ग्रांट भी हुआ। फिर अब इसको कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दें, उससे अच्छा मनसुख भाई जगानी ने बोला कि नहीं इसको ओपन सोर्स कर दीजिए और वो पहला एक ऐसा पेटेंट था जहां हमने ओपन सोर्स किया और बाकी सारे जो आर्टिजन थे उनको बोला कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आज 200 से भी ज़्यादा लोग उसको बनाने के काम में हैं। उन्होंने 20 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स अब तक बना चुके हैं और एक एक जगह अगर 10-10 लोगों को भी रोज़गार मिला तो 2000 लोगों को सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिल चुका तथा 15,000 से भी ज़्यादा बुलेट शांति आज किसानों तक पहुंच चुकी है और ट्रैक्टर की तरह ही ये एक मल्टीपर्पज़ टूल बहुत ही सस्ते दर में मिल किसानों को मिलना शुरू हो गया और जितने एप्लीकेशंस हैं वीडिंग है आपका प्लॉइंग है इरिगेशन है ट्रांसपोर्टेशन है आप नाम लीजिए वो सारा किसान का काम ये बुलेट शांति कर देती है। मेरे ख्याल में इस तरह के छोटे औजारों की इस तरह की छोटी मशीनों की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे होते हैं उनकी जोत छोटी है और उनको भी मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है और बुलेट शांति उन सब के लिए एक वरदान ही साबित होगा। किसानों को कृषि उपकरण बेचने के अलावा मनसुख भाई किसानों के पास मौजूद उपकरणों की मरम्मत
और अच्छे रखरखाव में भी उनकी मदद करते हैं। हमारे सनेड़ा मनसुख भाई पाए थे लीधा नवा, जिने 8 वर्ष थी गया से हमारे जूनू वाहन कोई वेरेंटेज खरस आयु नहीं, अने साथी आकवामा दवा साठवामा बधे उपयोग आवे से, अने बीजा नंबर में वेट वेरेंटेज खर्चो हाव ओछो लागे, कोई पण खरस आमा आवतु नहीं रुपया, अने काम मनसुख भाई नू सारू छे, रिपेरिंग जरा कई होय तो ई सर्विस आपी दे पूरेपूरी, मजूर वसा जोई खेती काम में एकला हाथी आकी एकला दवा साठ देवी बधुं कम्प्लीट थई जाय। इसके अलावा मनसुख भाई ने कई अन्य उपकरणों का निर्माण भी किया है जो किसानों के लिए वाकई मददगार साबित हो रहे हैं। मनसुख भाई ने कुशल एवं सस्ता छिड़काव उपकरण बनाया है जिसको बुलेट शांति पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये छिड़काव उपकरण इस्तेमाल करने में आसान है क्योंकि इसकी ऊंचाई कम या ज्यादा की जा सकती है। ट्रैक्टर पर लगने वाले स्प्रेयर की तुलना में यह स्प्रेयर इस्तेमाल होने के लिए कम जगह घेरता है। एक एकड़ खेत में इसके उपयोग में 45 मिनट का वक्त लगता है जिससे कि लागत भी कम आती है। मनसुख भाई के स्प्रेयर को साइकिल पर लगाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बुलेट शांति की तरह ही साइकिल का भी जब छिड़काव में इस्तेमाल न किया जा रहा हो तब इसका साइकिल की तरह उपयोग किया जा सकता है। मनसुख भाई ने बुआई और उर्वरक छिड़काव के लिए भी एक उपकरण तैयार किया है जिससे अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में अधिक कुशलता से और तेजी से बुआई की जा सकती है। अमरेली से अब मनसुख भाई का नाम अफ्रीका के किसानों के बीच भी गूंजने लगा है। मनसुख भाई जगानी की बुलेट शांति अफ्रीकी कृषि क्षेत्र में आई क्रांति में मददगार रही है। अफ्रीका के गरीब किसानों के लिए ये खोज एक वरदान साबित हुई है। मनसुख भाई अपने उपकरणों का दक्षिण अफ्रीका में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। यहां आए लोगों ने उनके उपकरणों को खूब सराहा। यहां आने वाले हर किसान ने उपकरणों के बारे में विस्तार से जानना चाहा। कई लोगों ने इस उपकरण के डायग्राम तक तैयार किए तो कुछ ने उनका हौसला बढ़ाया। मनसुख भाई के नए प्रयोग से प्रभावित होकर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली नैरोबी की जोमो केन्याटा यूनिवर्सिटी ने उन्हें केन्या भी बुलाया था। इन्हें पढ़ा है ये लोगों ने हमारा संशोधन ने आगे ले गया यथी अलता ची बदिये टीवी में प्रसारण बदिये यानी थी हमने मोटो फायदो थियो पण भारत नी ने अमेरिका नी पण पेटर्न ने मदद थी कम्प्लीट एने करी दीधेलू छे। त्यार पछी कांग्रेस साइंस ना मेला बदिये करायवा नथी हालता साउथ आफ्रिका 2002 मां गया था ने केनिया नी अंदर 2015 मां न्या डेमोन्स्ट्रेशन दिएवा गया 6 राज्यमां डेमो आपेलो छे न्या बुलेट साथी ने डिप्लर न्या डेमोन्स्ट्रेशन मां माग निकळे न्या विष्णंग आपेला छे ट्रेक्टर मिनी ट्रेक्टर सनेड़ा ने बदली में ट्रेक्टर बनाने आपेला छे। संस्थाए आपने मोटा में मोटो गुप्ता साहेबे हमने बहुत लाभ हारा में हारो आप्यो छे ने एनो आभार। मनसुख भाई अब तक तकरीबन 1500 से अधिक बुलेट शांति बेच चुके हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए पूरे देश और दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। खेती के लिए बुलेट ट्रैक्टर स्प्रेयर साइकिल स्प्रेयर बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि एक साधारण किसान भी बहुत कुछ कर सकता है। आज मनसुख भाई अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिता रहे हैं। उनकी पत्नी ने
उनका जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया और वो उनके इस आविष्कार से काफी खुश हैं। हमें नाना मकान में रहता था पहला, भाड़े मकान में रहता था। त्यार पर हमने एवड़ मिलो त्यार पर हमारी परिस्थिति सारी सी और कारखाने जगह ली थी, कारखाने बनाए मकान बनाया। अटले आ बधु सारू, हमारी परिस्थिति सारी से, उदाहरण सारू हाले से। मनसुख भाई भविष्य में कई अन्य आविष्कारों पर काम कर रहे हैं ताकि किसानों के लिए खेती और सुगम बनाई जा सके। दृढ़ विश्वास और आत्मबल के दम पर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। हर व्यक्ति को कुछ अलग और नया प्रयोग करते रहना चाहिए। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हमारे देश की और विशेषकर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो देश भर में इनोवेशंस को इकट्ठा करता है। उनके इनोवेशंस में जो बेहतरीन इनोवेशंस होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाता है और फिर उन इनोवेशंस के माध्यम से कैसे देश का, समाज का भला हो। भारत के लोगों की 70 वर्ष पुरानी बहुत सारी अनसुलझी समस्याओं का समाधान हो, वो हमारी संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन काम करती है। अगर आपके पास कोई भी ब्रिलियंट आइडिया है जिस आइडिया को आप अपने साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप में परिवर्तित करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके पीछे पूरी भारत की सरकार खड़ी है और आपकी इनोवेशन होने के बाद उसको सही स्थान तक शोकेस करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी आपके लिए तत्पर है।